Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना, अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा तना कादिर, कौकब फारूकी, नर्गिस ज़ुल्फ़िकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का यौम मजदूर पर मेहनत कशों को खराज तहसीन। वजीर आजम का कहना है कि महंगाई के बाइस मेहनत कश तबका मौशी तौर पर शदीद दबाव में है, मजदूरों को मौशी तरक्की में हिस्सेदार बनाना बुनियादी चैलेंज है। माली साल 2023 से 2024 का वफाकी बजट IMF की डिक्टेशन पर तैयार होने का इम्कान। वजीर खजाना इसहाक डार 4 या 5 जून को बजट पेश करेंगे। कौमी असम्बली का बजट इजलास जून के पहले हफ्ते में होगा। सूडान में खाना जंगी और 2 अफवाज में कशीदगी, पाकिस्तानियों का इनखला जारी। मजीद 149 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान का देरीना दोस्त चीन भी पाकिस्तानी शहरियों के इनखला में पेश। इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की मजदूर रैली, कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। इलेक्शन कमीशन ने आज की रैली के खिलाफ इमरान खान को नोटिस भेज दिया। सिक्योरिटी खदशात के बायस इमरान खान को गाड़ी से निकलने से रोक दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic? Safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic. Paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lighto Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से मेहनत कशों के आलमी दिन पर खसूसी पैगाम जारी किया गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से मेहनत कशों के आलमी दिन पर खसूसी पैगाम जारी किया गया है। यौम मजदूर पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि यौम मई पर मजदूरों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुआशी खुशहाली में अपना हिस्सा डालने के बावजूद मेहनत कशों को मुतादित मसाइल का सामना है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी लेबर फोर्स और नौजवानों की तादाद है। वफाकी सूबाई हुकूमतें मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए इकदाम और हुनर फराहम करने की कोशिशें जारी रखें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि तरक्की की वो इमारत जो मेहनत की बुनियाद पर खड़ी है, अगर उसकी तामीर करने वालों को तरक्की के समरात से महरूम रखा गया तो ये इमारत टूट फूट का शिकार हो जाएगी। महंगाई के बायस मेहनत कश तबका मौशी तौर पर शदीद दबाव में है, मजदूरों के हकूक को पूरा करना और उनको मौशी तरक्की में हिस्सेदार बनाना मेरे ख्याल में आलमी मईशत के लिए एक बुनियादी चैलेंज है। शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर कहा कि आज जबकि हम मेहनत कशों के आलमी दिन पर उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, हकीकत यह है कि आलमी मंडियों में
उतार चढ़ाव ने मेहनत कश तबके की मौशी मुश्किलात में शदीद इजाफा किया है। अजनास की कीमतों में इजाफे की वजह से वो मौशी तौर पर शदीद दबाव में है। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बारिशों की सूरत हाल पर विफाकी और सूबाई इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने कहा कि जहाँ जिस चीज की जरूरत हो आवाम के तहफ्फुज़ और मदद के लिए फराहम की जाए, जहाँ जरूरत है वहाँ आवाम को फौरी महफूज इलाकों में मुंतकिल किया जाए। शहबाज शरीफ ने NDMA सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को सूरत हाल की कड़ी निगरानी की हिदायत की है। उनका कहना है कि बारिशों की सूरत हाल में शहरियों की खिदमत के तमाम महकमे अलर्ट रहें। आवाम से अपील है कि मौसमी शिद्दत की सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उन्होंने हिदायत करते हुए कहा कि मुख्तलिफ शाहराहों मुतासर इलाकों में आवाम को खबरदार रखा जाए। आवाम की जानो माल का तहफ्फुज़ अवलीन तरजीह है। वजीर आजम ने NHA मुतालिका इदारों को बैनुल सूबाई कौमी शाहराहों की मॉनिटरिंग की हिदायत भी की है। वजीर खजाना इसहाक डार इत्तेहादी जमातों से तजावीज लेने के बाद 4 या 5 जून को बजट पेश करेंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वजीर खजाना इसहाक डार इत्तेहादी जमातों से तजावीज लेने के बाद 4 या 5 जून को बजट पेश करेंगे। तरक्याती फंड्स पर भी अहम फैसले करके इजरा का अमल तेज किया जाएगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक काबीना से मंजूरी के लिए बजट दस्तावेज को मई के आखिर तक हतमी शक्ल दी जाएगी, जबकि बजट जून के पहले हफ्ते काबीना और पार्लियामेंट में पेश करने का प्लान है। माली साल 2023-2024 का वफाकी बजट IMF की डिक्टेशन पर तैयार होने का इम्कान है। टैक्स रेवेन्यू, माली खसारे, तरक्याती बजट और अहम अहदाफ की आलमी मालियाती इदारे से मंजूरी ली जाएगी। दूसरी जानिब हुकूमत ने IMF की शराइत पर आइंदा माली साल के बजट में दुकानदारों पर टैक्स आयद करने का फैसला कर लिया। IMF ने 20 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ दी है। कौमी असम्बली का बजट इजलास जून के पहले हफ्ते में होगा, जबकि वजीर खजाना इसहाक डार 4 या 5 जून को बजट पेश करेंगे। इस जमन में इत्तेहादी जमातों से तजावीज दी जाएंगी। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत और आलमी मालियाती फंड के दरमियान स्टाफ सतह के मुहायदे में ताखीर के बाइस आइंदा माली साल 2023-2024 के वफाकी बजट की तैयारी में शदीद मुश्किलात का इंकशाफ हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक FBR सालाना 1 करोड़ आमदन वाले दुकानदारों पर टैक्स के लिए स्पेशल स्कीम तैयार कर रहा है। स्पेशल स्कीम के तहत दुकानदारों के लिए बिजली के बिलों पर टैक्स आयद किया जाएगा। बिजली की तकसीमकार कंपनियां दुकानदारों से बिजली की बिलों की मद में टैक्स वसूल करेंगी। स्पेशल स्कीम में शामिल दुकानदारों को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। सालाना 1 करोड़ आमदन वाले दुकानदार और सर्विसेज फराहम करने वालों के लिए स्कीम लॉन्च होगी। सूडान में खाना जंगी और 2 अफवाज में कशीदगी के बाइस पाकिस्तानियों का इनखिला जारी है। सूडान में फंसे मजीद 149 पाकिस्तानी वतन बाहिफाजत पहुँच गए हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सूडान में खाना जंगी और 2 अफवाज में कशीदगी के बाइस पाकिस्तानियों का इनखिला जारी है। सूडान में फंसे मजीद 149 पाकिस्तानी वतन बाहिफाजत पहुंच गए। इससे कबल अब तक 636 फंसे पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज सुबह 149 पाकिस्तानियों को लेकर तैयारा इस्लामाबाद पहुँचा। सूडान से जद्दा पहुँचने वाले पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तान लाया जा रहा है। 200 पाकिस्तानियों को लेकर आज सूडान से पहुंचेंगे। पाकिस्तान का देरीना दोस्त चीन भी पाकिस्तानी शहरियों के इनखिला में पेश है। तर्जुमान ने बताया कि चीन की बहरिया ने पोर्ट सूडान पर मौजूद 216 पाकिस्तानियों को बाहिफाजत सऊदी अरब पहुंचा दिया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के बहरी जहाज विष्णु ने पाकिस्तानियों को जद्दा पहुंचाया। हम इस दोस्ती और तआवुन के जज्बे पर चीनी दोस्तों के शुक्रगुजार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इससे पहले पाकिस्तानी पाक फिजाइया की 5 परवाजों के जरिए सूडान से बरास्ता जद्दा कराची पहुँचे थे। आइंदा 24 से 48 घंटों में सूडान से मजीद तकरीबन 1000 पाकिस्तानियों को लाया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानियों को महफूज तरीके से पाकिस्तान लाने का हमारा मनसूबा काम कर रहा है। खरतूम में पाकिस्तानी सफीर और सिफारती अमला पाकिस्तानियों को निकालने के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। आज सऊदी दफ्तर खारजा ने भी एक ट्वीट में बताया था कि रॉयल सऊदी तैयारा 45 सऊदी और 36 पाकिस्तानी शहरियों को लेकर जद्दा पहुंचा। तैयारे में ब्रादर और दोस्त ममालिक के 52 शहरी सवार थे। दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने ट्वीट में कहा कि इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानियों की मदद पर ब्रादर मुल्क सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान की क्यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजदूर रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में PTI के कारकुन शरीक हुए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन ना हुआ तो चोरों हैंडलर्स को खबरदार कर रहा हूँ, मुल्क में हकीकी आज़ादी की जंग के लिए बाहर निकलेंगे।
नासिरबाग में रैली के शुरका से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि आइन तोड़ा गया या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गए तो पीटीआई सड़कों पर निकलेगी, ये इलेक्शन से भागेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। खराब मुआशी हालात की वजह से हम सिर्फ जलसे कर रहे हैं, आइन तोड़ा गया तो मुल्क में जंगल का कानून होगा, मुल्क में महंगाई से किसान मजदूर का बुरा हाल है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मजीद कहा है कि आज की रैली मजदूरों और कानून की हुक्मरानी के लिए है, कारगुन तैयारी करें, अगले हफ्ते दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, हम आइन और अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े होंगे। अगर 14 मई से पहले असम्बलियां तहलील करते हैं तो आम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, ये बजट के बहाने बना रहे हैं, ये आइन के खिलाफ गए तो खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की ना माने कोई सरमायाकार नहीं आएगा, ये लोग इलेक्शन हारने के डर की वजह से इलेक्शन नहीं कराना चाहते, ये इमरान खान को बाहर रखेंगे तो किसी के मफाद में नहीं होगा, अदालत का फैसला नहीं मानेंगे तो इंशाल्लाह कौम मेरे साथ निकलेगी, ये इलेक्शन तब कराना चाहते हैं जब ये समझे कि जीत सकते हैं। साबिक वजीर आजम ने कहा कि इलेक्शन तब कराना चाहते हैं जब ये समझे कि इमरान खान रास्ते से हट जाए, ये चाहते हैं कि इमरान खान को जेल में डालें या किसी तरह कत्ल करा दें। परवेज इलाही के घर पर उन्होंने डाकुओं की तरह हमला किया, मेरे घर पर हमला किया गया, निहत्ते कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, हमारे टाइगर अली अमीन गंडापुर को कभी एक जेल तो कभी दूसरी जेल ले जाया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि हमारे कारकुनों को पकड़ रहे हैं ताकि पीटीआई कमज़ोर हो, मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर को गिरफ्तार करके ले गए, इन लोगों का सिर्फ एक मकसद है किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, यह इलेक्शन से भागेंगे और आइन तोड़ेंगे तो पीटीआई आइन के साथ खड़ी होगी, जंगल के कानून में कोई सरमायाकारी नहीं होगी। इमरान खान ने कहा कि बहाने कर रहे हैं कि बजट देने के बाद इलेक्शन होगा, ये समझ रहे हैं कि बददियानत मंसूबे में हम फंस जाएंगे, अगर ये समझ रहे हैं तो हम इंतज़ार करेंगे तो गलतफहमी में ना रहें, हम अदालतों को कहेंगे कि हमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन चाहिए, निगरान हुकूमत ने इलेक्शन के लिए एक काम नहीं किया, इसकी कोई आइनी हैसियत नहीं, मुल्क में 70% आवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। ये इलेक्शन तब करवाना चाहते हैं जब ये समझेंगे कि ये जीत सकते हैं, जब ये समझेंगे कि इमरान खान रास्ते से हट जाए, इनका सिर्फ एक मकसद इलेक्शन ना करवाने का ये है कि किसी ना किसी तरह जेल में डालो या कत्ल करो, इमरान खान को हटाओ। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना, अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा, सना कादिर, कौकब फारूकी, फारूकी, टैग टीवी पाकिस्तान।